नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आवास फाइनेंस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि ये स्टॉक में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और इस स्टॉक में जिस हिसाब से गिरावट होते जा रहा है तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा पैनिक भी हो चुका है। क्या इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकता है जो कि यहाँ पे कौन सा टेक्निकल के बेसिस पे कौन सा लेवल पे बाइंग करना चाहिए और कौन सा टारगेट तक लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक सही जगह है। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंपनी का अगर हम चर्चा करते हैं तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप के बारे में अगर बात करेंगे तो 10,700 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पे 9.5% का है, जो कि बहुत शानदार है। अगर आप देखेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप 9% देखते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो इसका जो स्टॉक का जब लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करते हैं, स्टॉक का लाइफ टाइम हाई देखिए जो कि 3,340 है और स्टॉक का अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1,354 के पास में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। उसी के साथ में अगर आप देखते हैं स्टॉक लाइफ टाइम हाई से बिल्कुल एक बहुत बड़ा करेक्शन पे अभी आपको मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम करेक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज का करेक्शन है। इसी हिसाब से अगर हम मेजर करते हैं तो अब से लेके अभी तक का जो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है अराउंड 60% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम स्टडी करेंगे और कंपनी इसी हिसाब से कंपनी जिस हिसाब से बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, कंपनी क्या प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे आवास फाइनेंस क्या करती है अगर हम देखते हैं तो आवास फाइनेंस जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइडिंग करता है, जो कि यहाँ पे एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स एंड कस्टमर बिलोंग्स टू लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट्स इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में कंपनी का ज़्यादा बिजनेस देखने को मिलता है। और कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में 450 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला है। अगर आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो 365 करोड़ से यहाँ पे 450 करोड़ हो चुका है। उसी के साथ में जब हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 127 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो उसी के साथ में जब मार्च में 2022 को अगर हम देखते हैं तो 116 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से बढ़ रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो लास्ट 4 क्वार्टर में 430 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो 1608 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे 2014 में 54 था, उसके बाद में 2015 में 104 था, 2016 में 191 है। तो मतलब कंपनी का यहाँ पे नेट रेवेन्यू के साथ में अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। तो उसी के साथ में जब आप देखते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न जब हम देखते हैं, जब से स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस देखिए यहाँ पे 781 से लेके स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई लगाया है। यहाँ पे 3,3100 का लेवल तक का यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाई लगाया है। तो उसी के साथ में जब हम देखते हैं जो 3300 का लेवल तक यहाँ पे लाइफ टाइम हाई देखने को मिला है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है तो 1300 का लेवल पे जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब ये जो लेवल है पिछले 4 साल के प्राइस पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसी के साथ में जब हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो रिजर्व देखने को मिल रहा है 3,191 करोड़ का रिजर्व तो देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जो बात करेंगे तो प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग देखने को मिल रहा है 39% का, तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआई के पास में यहाँ पे 38.8% का होल्डिंग है। डीआई के पास में यहाँ पे 12% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 9.5% का रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। उसमें से अगर हम यहाँ पे निकाल देते हैं जो कि 1.5% का होल्डिंग है तो अराउंड 8% का होल्डिंग यहाँ पे जो कि पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर के पास में देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो आज से लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेडिंग हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बिल्कुल आप यहाँ पे ये चीज़ का भी बिल्कुल यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक बॉटम लेवल को ब्रेक कर चुका है। जब हम देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, जो कि काफ़ी दिन से स्टॉक इस लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा था उस लेवल से ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसा एक पैनिक हो चुका है, क्या ये स्टॉक में और भी गिरावट हो सकता है, क्या इस लेवल से 50% तक और भी नीचे जा सकता है। उस चीज़ को जब हम देखते हैं, देखिए किसी भी स्टॉक का बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसी हिसाब से देखेंगे उज्जीवन फाइनेंस में अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से हमने वहाँ पे पोजीशन बनाया था उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमने बाइंग करने के बाद में स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे नीचे तक गया भी था। हमने
130 रुपए के लगभग में यहाँ पे वीडियो बना के भी आपको बताया था, उस लेवल से बिल्कुल नीचे जा चुका था, 100 लेवल तक जा चुका था, लेकिन उसके बाद में जब तेजी आया ना स्टॉक में, एक बहुत बड़ा रिटर्न हमें कमा के दिया। तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में कोई एक बॉटम यहाँ पे देखना बहुत मुश्किल है, और हम यहाँ पे बॉटम पे बाय करेंगे ऐसे कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम एक सही लेवल पे बाय करते हैं, उसके बाद में अगर स्टॉक में 10% 20% का अगर करेक्शन होता है, तो वहाँ पे हमारा जो यहाँ पे है पोर्टफोलियो में इतना बड़ा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप बाय कर लीजिए, चाहे इंफोसिस बाय कर लीजिए, चाहे कोई भी कंपनी बाय कर लीजिए, कई लार्ज चाहे लार्ज कैप स्टॉक भी बाय कर लीजिए, वो स्टॉक में भी इतना बड़ा बड़ा गिरावट हो भी सकता है। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को यहाँ पे लाइफ एग्जाम्पल के साथ में जाके देख सकते हैं, क्या HDFC AMC कोई बुरा कंपनी है? अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में भी तो आप देख सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई से लेके स्टॉक में बिल्कुल एक 50% तक का करेक्शन भी हुआ है। तो इसमें कोई इतना बड़ा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब लार्ज कैप स्टॉक में इतना बड़ा गिरावट हो सकता है, जब ये स्मॉल कैप कंपनी है जो कि 10,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो यहाँ पे भी तो गिरावट हो सकता है, इस चीज़ को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या यहाँ पे लॉस पोस्ट कर रहा है, क्या इसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वो सारे चीज़ का कभी भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक अच्छा सा पॉजिटिव साइन हमें बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो आवास फाइनेंस में, तो मैं यहाँ पे आर्थिक दृष्टि का ओपन कर चुका हूँ, आवास फाइनेंस में देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, उसी के साथ में नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी कितना शानदार तरीके से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। और पूरा का पूरा माल अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रांग हैंड्स में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में कितना होल्डिंग है, ओनली तो यहाँ पे 8% का होल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। तो इसी हिसाब से मैं ऑलरेडी इस पोजीशन पे ऑलरेडी अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, अगर आपको सही लगता है तो ही पोजीशन बनाइए। दूसरे के कहने के हिसाब से हम मार्केट में बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट में कभी भी दूसरे के कहने के हिसाब से पैसे नहीं कमा सकते हैं। ये सारी चीज को आपको सीख के समझ के करना चाहिए। उस हिसाब से मुझे जो लगता है स्टॉक में एक सही बॉटम लेवल अगर आप देखने जाएंगे, एक स्ट्रांग अगर जोन हम देखने जाएंगे, तो 1285 तक का यहाँ पे एक बार यहाँ पे टेस्ट कर सकता है इस लेवल तक, ठीक है। 1285 तक स्टॉक में एक गिरावट हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो अभी के करंट लेवल से लेके स्टॉक में एक 4-5% तक का फिर से गिरावट हो सकता है, इस चीज़ को हमें बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम टारगेट के बारे में बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट के बारे में अगर आप देख के चलते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए, तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पहला टारगेट हमारा निकल करके आ रहा है 2039 हमारा पहला टारगेट है, ठीक है। 2039 हमारा पहला टारगेट हो सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे अपसाइड का जो मूवमेंट है, यहाँ से लेके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक 50% तक का एक तेजी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके एक 50% तक का यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल सकता है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके साथ में जब हम नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है 3318 तक का नेक्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हैं, जो कि 3318 तक का नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपको 2 साल भी लग जाए, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। अगर आप 2 साल में यहाँ पे लाइफ टाइम हाई भी अगर यहाँ पे टच करता है, जिस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट, जिस हिसाब से सारे चीज़ देखने को मिलता है, तो भी यहाँ पे 2-3 साल अगर लग भी जाए ना, तो यहाँ पे आपको 146% का आपको गेन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मैं पोजीशन बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें पोजीशन बनाइए, अगर आपको सही लगता है तो ही पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे आपका पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में आपको होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो एक ही कंपनी के अंदर में हम क्यों इतना बड़ा एक्सपोजर लेंगे, क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे, कल की डेट पर कितने अच्छी कंपनी क्यों ना हो जाए, कल की डेट पर अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है तो फिर हम पूरा का पूरा अमाउंट वहां पे फंसा के क्यों रखेंगे। यही सारी चीज को सीख के समझ के अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ में पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं किसी हिसाब से पोजीशन बनाता हूं, किस टारगेट तक लेके चलता हूं, सारी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल यहां पे आप सीख के समझ के अपना पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है एक बड़े से वीडियो बनाने के लिए। उसके साथ में चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये जो स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की है एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो यहाँ पे मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।